साजन हम तुम एक है, बस कहन सुनन को दो साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो जैसे मन से मन को तो लिए। मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू ना हो। जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं तो मन दो नहीं रह जाते, एक हो जाता है। कैसे? खुसरो नदी प्रेम की, खुसरो नदी प्रेम की और उलटी वा की धार। अरे जो निकला सो तो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। कबेरा कबीरा कबीरा, हाँ नो कबीर सब कहते हैं। जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। और बाबा भुले शाह जी, धीमिया चुप कर चुप कर, तू की शरा रखनी, शरा नाल फकीरां दे रही होइए। तैनू अपनी शरा दा ख्याल मुला, मैनू यार मनाउण दी पई। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी। मैं पनिया भरन से छूटी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो गाना चक्की के बीच में आके पिस गया वो तो ख़त्म, लेकिन उनके शागिर्द, कहा जाता है उनके बेटे कमालदास जी भी, बहुत आगे की सोच थी,
उन्होंने कहा कि एक दाना वो भी है जो चक्की के पास अपने आप मरने के लिए जा रहा है, उस दाने का क्या देखिएगा। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोए, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोए, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोए, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोए। जो देखा पोथी में मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी। मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना महाराज जी माला के ऊपर बहुत अच्छा एक दोहा बोल रहे थे और कबीर साहब ने कहा कि जब माला जपते हैं तो उस समय दो प्रोसेस होते हैं, वो कैसे और जिसको माला फेरनी है वो क्या कर रहा है। बहुत सुंदर दोहा है, मैं पेश कर रही हूँ। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही। मनवा तो दस दिशा फिरे, अरे ये तो सुमिरन नहीं कबीरा, तो सुमिरन नहीं कबीरा, तो सुमिरन नहीं। भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। ये शुद्ध सूफी कलाम है। एक हजरत राज न्याजी जी ने मस्जिद जाते थे तो लोग माला फेर रहे हैं, मौला 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 कर रहे हैं। राज न्याजी जी कहते ये बात नहीं है, नाम नाम राम राम मौला कहने से नहीं आएगा। बहुत प्यारा कलाम एक छोटा सा पेश करूंगी कि उदाहरण क्या दिया उन्होंने। मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। लफ्जों से हम खेल रहे हैं, अरे मायना हाथ ना आए, मौला मौला हाथ पुकारे मौला हाथ ना आए। उदाहरण देखिएगा, सभी ज्ञानी जन बैठे हैं, मैं तो बहुत छोटी सी अदना सी फनकार हूं, मैं बोलती अच्छी नहीं लग रही, पर पानी 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 कहने से क्या पानी मिल जाएगा। ये वही बात है जो हजरत साहब कह रहे हैं। जो पानी के नाम को पानी जाने ये नादानी है, अरे प्यासा ही मर जाए, मौला मौला लाख पुकारे मौला हाथ ना आए। कैसे कि हीर जो हुई उसने दो नहीं समझा, उसने कैसे नाम जपा वो करना है, वो कह के गए कैसे, मौला 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 राम 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 राम।
कर दी नी मैं आपे रांझा होई रांझा हीर न आखो कोई रांझण 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 वाई तेरी नमाज को है दूर से सलाम। अक्सर जब नमाज पढ़ते कोई देखा होगा आपने, वाई तेरी नमाज को है दूर से सलाम, वक्ते अजान मुँह तेरा काबे से फिर गया। और मैं रांझण 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 रांझण। वो क्या सजदा, सजदे में हमारे जो सजदे हैं वो बड़े होश वाले हैं। और कहते हैं जो मीरा का सजदा था, मीरा को कुछ होश नहीं रहता था, कीर्तन कर रही है, रात हो रही है, दिन हो रही है, कुछ नहीं पता। और कहते हैं कि जो सजदे में, जो नमन करने में होश रह जाती है वो नहीं है। कैसे, एक सूफी पंक्ति है, वो क्या सजदा रहे एहसास जिसमें सर उठाने का, अरे इबादत और बकायदे होश तौहीन इबादत है। रांझण 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 रांझण। वही काबा सरकाया जमी मैंने जहां रख दी। किसी ने किसी मौलवी को कहा कि तेरा ईमान नहीं है तो मस्जिद नहीं जाता, और उसका जवाब देखिए सूफी फकीर का, ये सूफी ही कह सकते हैं। वही काबा सरकाया जमी मैंने जहां रख दी, अरे हमारी चीज थी हमने जहां चाही वहां रख दी। और इसी को कबीर साहब ने कहा, भला हुआ मेरी माला टूटी, भजन से छूटी रे मोरे सर से, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। बाबा बुल्ले शाह जी के एक कलाम की फरमाइश की थी गुरु माँ ने, गाने की कोशिश कर रही हूं। हद हद जपे सो औलिया और बेहद जपे सो पीर, हद अनहद दोनों जपे सो वाको नाम फकीर।
ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਦੋ ਹਰਫ ਪੜੋ ਰੱਬ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਹਰਫ ਪੜੋ ਰੱਬ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਦੋ ਹਰਫ ਪੜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਦੋ ਹਰਫ ਪੜੋ ਰੱਬ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ प्याला पी गई जहर का प्याला पी गई मेरा हद से पार उतर गई मेरा हद से पार उतर गई प्रेम कहानी सुनो रे भाई प्रेम कहानी सुनो रे भाई अरे होश गया बेहोशी आई होश गया बेहोशी आई खुद ही मिटी जब मिली खुदाई खुद ही मिटी जब मिली खुदाई मेरा पिया घर आया से प्रीत न तोड़ी जाए कागज हो तो बांट दूं मुझसे प्रीत न बांटी जाए बहुत सुंदर एक कलाम सूफी कलाम की जब जिक्र होता है तो हजरत अमीर खुसरो जी के दो कलाम बड़े मकबूल हुए हैं पूरे देश विदेश में उन्हीं को आज गुनगुनाने की कोशिश करेंगे सबने सुना होगा जब उनके नैन हजरत निज़ाम के साथ लगते हैं तो क्या फरमाते हैं खुसरो साहब गर नारी गवारी कहे सो कहे गर नारी गवारी कहे सो कहे मैं निज़ाम से नैना मिला तो पिया से नैना मिलाई रे मैं तो पिया से नैना मिलाई रे मैं तो पिया से नैना सभी पीछे गाएंगे अगर सतगुरु महाराज जी के लिए इतना प्यार है तो पीछे आवाज आनी चाहिए मैं तो पिया से नैना मैं तो पिया से नैना सोहनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोहनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोहनी सूरतिया मोहनी मूरतिया सोहनी सूरतिया मोहनी मूरतिया मैं तो हृदय के बीच समाया रे मैं तो पिया से नैना
बता रहे थे, बहुत सुंदर एक पंक्तियाँ बोली थी, उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगम यानी बहुत गहरी, या सूफियों की छिपी हुई राज की बात। बात अगम कह देनी भी का बात अगम की, जो कहन सुनन की नाई। अरे जाने है सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नाही। आशिक कहंदे तेरी लैला कितनी काली, ऐसा ही था ना। मजनू नूरल आशिक कहंदे तेरी लैला कितनी काली, दिता जवाब मजनू मिया तेरी अख नहीं वेखण वाली। कुरान शरीफ दे वर्क ने चिट्टे उत्ते लिखी है स्याही काली। वे बुलिया जिथे दिल हर जांदे, उथे की गोरी की काली। बात अगम कहती रे मोदे नैना, बात अगम कहती रे मोदे नैना। बात अगम कह दीनी है अनहल हक हक, ये मियां मंसूर का बहुत बड़ा एक दावा था जो सूफी सुनते होंगे आप सब। तो मियां मंसूर ने ये बोला था, है अनहल हक हक, यानी मैं ही खुदा हूं, और उसको इस बात से सरे राह फांसी सुना दी गई। और मियां मंसूर उन्हीं के दौरान, उन्हीं के वक्त में हजरत शिमली थे, बहुत बड़े सूफी दरवेश। तो मियां मंसूर कहने लगे, मियां है अनहल हक हक, आप भी जानते हैं मुझ में ही खुदा है, तो फांसी किस बात की। और भाई शिमली क्या जवाब देते हैं, है अनहल हक हक मगर कहनी न थी। भैया ये अगम की बात थी, तुमने उन लोगों में कह दी जहां कहनी नहीं थी। और आगे जाके मियां मंसूर के इसी वाक्य के पूरा कैसे किया देखिएगा। मंसूर और मुझ में कुछ फर्क है तो इतना, मंसूर और मुझ में कुछ फर्क है तो इतना, मंसूर और मुझ में कुछ फर्क है तो इतना, मंसूर और मुझ में फर्क है तो इतना। वो कहे उठा के मैं हूँ, कहता हूँ मैं के तू है। बात अगम बल बल जा